Dear students, today in this lecture we will learn about the nomenclature of organometallic compounds. तो अभी आपने पढ़ लिया है कि organometallic compounds क्या होते हैं. Organometallic compounds क्या होते हैं? जिनमें direct MC bond होता है, metal carbon bond होता है. तो ये जो organometallic compounds हैं, इनको कैसे हम इनका नामकरण कर सकते हैं, कैसे हम इन्हें नाम दे सकते हैं? तो इनको नाम देना ये डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके का कंपाउंड है. तो इसको हम जो है, अगर हम देखें एक ब्रॉडली फॉर नॉमनक्लेचर, वैसे तो हम इसका क्लासिफिकेशन कर चुके हैं, लेकिन ब्रॉडली अगर हम देखें उसको नॉमनक्लेचर करने के लिए, उसका नामकरण करने के लिए, उसको ब्रॉडली हम चार तरीके से डिवाइड करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को. ये देखिए, ये चार तरीके हैं. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टाइप. कुछ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स टाइप होंगे. दूसरे कोऑर्डिनेट जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होंगे उनको हम सिंपल कंपाउंड्स कहेंगे. देखेंगे कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं. क्लासिफिकेशन फॉर नॉमनक्लेचर, हमने इसको डिवाइड कर दिया है. फिर तीसरे तरीके के जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होंगे वो होंगे कार्बोनिल्स, और जो चौथे तरीके के होंगे वो होंगे सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड लिगेंड्स कंटेनिंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. तो एक जिनका नेचर होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह, दूसरे सिंपल टाइप के होंगे, तीसरे कार्बोनिल टाइप के, और चौथे जो होंगे वो सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड लिगेंड के साथ होंगे. तो उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, इनको कैसे हम नाम देते हैं. सबसे पहले देखते हैं उन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में जिनका नेचर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की तरह होता है. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आप जानते हैं, आपने पढ़ा हुआ है पहले, जिसमें कि एक आपने ब्रैकेट पढ़ा होगा. एक तो उसका कोऑर्डिनेशन स्फेयर होता है. कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, उनको जब हम पानी में घोलते हैं तो वो अपने कंस्टिट्यूएंट्स में नहीं टूटते. क्यों? क्योंकि उनमें एक कॉम्प्लेक्स आयन होता है और एक काउंटर आयन होता है. काउंटर आयन पॉजिटिव हो सकता है या काउंटर आयन नेगेटिव हो सकता है, जो कि चार्ज को बैलेंस करता है किसके ऊपर? कोऑर्डिनेशन स्फेयर के ऊपर. तो अभी आप देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम किन्हें कहते हैं और उस कैटेगरी में कौन से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आते हैं. तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स टाइप के होंगे उनको हम कैसे नॉमनक्लेचर उनका हम करेंगे, ये देखिए. सबसे पहले हम किसको नाम देंगे? जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का हम नाम लिखते हैं तो सबसे पहले हम किसको नाम देते हैं? कैटायन को. उसके बाद हम किसका नाम देते हैं? लिगेंड. ये वो कैटायन है जो कि काउंटर कैटायन है, जो कोऑर्डिनेशन स्फेयर के बाहर होता है, उसको हम कैटायन कहेंगे, जो कि चार्ज बैलेंस करने वाला है. तो ये कैटायन का नाम सबसे पहले, फिर लिगेंड का नाम. लिगेंड का नाम देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखा जाएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखा जाएगा. इसमें जो हाइड्रोकार्बन लिगेंड्स होंगे उन लिगेंड्स का नाम उनके रेडिकल के नाम के हिसाब से रखा जाएगा, उनके रेडिकल के हिसाब से रखा जाएगा. जैसे CH3 को हम कहेंगे मिथाइल, C2H5 को कहेंगे इथाइल, एंड फिनाइल को कहेंगे C6H5. तो उनका नाम जो है वो हम उनके रेडिकल के नाम के अकॉर्डिंग रखेंगे. और जब हम लिगेंड का नाम भी दे देंगे फिर हम किसका नाम देंगे? मेटल का नाम. तो ये देखिए, पहले कैटायन, फिर लिगेंड, लिगेंड का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेमिंग करेंगे, देन मेटल का नाम. अब मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाऊंगी कि किस तरीके से हम एक ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को नाम दे पाएंगे जो कोऑर्डिनेशन टाइप होता है. ये देखिए, एक लिखा है मैंने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. अब आप इसको, अगर आपको आपको याद आ गया, ये है ब्रैकेट, ये है कोऑर्डिनेशन स्फेयर. इसके अंदर एक स्पीसीज है, ये कॉम्प्लेक्स आयन है, और इसके बाहर एक ये कैटायन है, ये काउंटर आयन है. तो अब अकॉर्डिंग टू नॉमनक्लेचर हम सबसे पहले, देखिए मैंने नंबर लिखा है, सबसे पहले किसको नाम देंगे? कैटायन को, नंबर वन. दूसरा नाम किसको देंगे? लिगेंड को, नंबर टू. और तीसरा नाम किसको देंगे? जो इसके अंदर मेटल होगा उसको हम तीसरा नाम देंगे. और ये लिगेंड कितने हैं उसका भी नंबर हमें प्रीफिक्स में देना होगा. प्रीफिक्स मतलब जो भी हम इसका नाम लिखेंगे उसके पहले ये कितने हैं. जैसे चार हैं तो टेट्रा, दो हैं तो डाई, तो हमें इसके प्रीफिक्स में इनका नंबर लिखना होगा.
जैसे इसका नाम हम क्या लिखेंगे, पहला हमने क्या लिखा है पोटेशियम, तो पहला हम किसको लिखेंगे पोटेशियम, दूसरा नाम किसे देना है फिनाइल को, फिनाइल कितने हैं चार, तो क्या लिखेंगे टेट्रा फिनाइल, फिर किसका नाम लिखेंगे बोरेट। अब बोरेट में ए टी ई लगा दिया, देखिए क्या लगाया हमने ए टी ई, एट। एट हम कहां पे लगाते हैं, जहां पर इस कोऑर्डिनेशन स्फेयर के बाहर माइनस चार्ज होगा। एक्चुअली ये तो है पॉजिटिव चार्ज और ये है नेगेटिव चार्ज, तो ये इसके नेगेटिव चार्ज को कौन बैलेंस कर रहा है पोटेशियम, इसलिए ये काउंटर आयन। तो इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर कैसा चार्ज है माइनस, इसलिए हम इसके नाम के आगे क्या लगाते हैं ए टी ई, एट। एट हम वहां, ये आपने पहले भी पढ़े हुए हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नोमेनक्लेचर हम कैसे देते हैं, और लास्ट में ब्रैकेट के अंदर हम उसकी किसकी, इस मेटल की क्या देंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि यहां पर तीन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि चार साइक्लो, ये चार फिनाइल ग्रुप इसके साथ जुड़े, इसके ऊपर चार्ज कैसा है नेगेटिव, और इसका जो जो इसकी जो जो स्टेट है वो क्या है प्लस थ्री। अब दूसरा हम कंपाउंड देखते हैं, और जी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टाइप ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, उसको हम कैसे नोमेनक्लेचर उसका कर सकते हैं। ये दूसरा एग्जांपल देखिए, के पी टी सी एल थ्री सी टू एच फोर, ये जीएस सॉल्ट है और ये प्लेटिनम का एक कॉम्प्लेक्स है, जो कि पहला कॉम्प्लेक्स है जो कि इथाइलिन के साथ बनाया गया था। तो इसका नाम देखिए, सबसे पहले हम किसको नाम देंगे काउंटर कैटायन को पोटेशियम, दूसरा नाम हम किनका देंगे लिगेंड्स का, लेकिन लिगेंड्स को भी कैसे अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो ये है इथेन क्योंकि ये रेडिकल है इसलिए इसको इथेन कहेंगे, और ये है क्लोरो, तो इसलिए कौन पहले आया सी, फिर ई आया, इसलिए हम क्या कहेंगे अब इस, ये भी कितने तीन, तो ये कितने ट्राई क्लोरो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे लिगेंड्स को, सो दिस इज ट्राई क्लोरो इथेन, इथेन हमने ब्रैकेट में रख दिया है क्योंकि ये दो अलग अलग टाइप के लिगेंड्स हैं, ये थोड़ा बल्की लिगेंड है इसलिए इसको ब्रैकेट में रख दिया है हमने, और फिर प्लेटिनेट, प्लेटिनेट ए टी ई क्यों है क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम है, पोटेशियम की वजह से ये पूरा कॉम्प्लेक्स पर कैसा चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा नेगेटिव, इसलिए हमने क्या यूज किया है ए टी ई, एट यूज किया है, और यहां पर प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है प्लस टू, इसलिए इसका नाम क्या हो गया पोटेशियम, देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिगेंड कितने हैं तीन ट्राइक्लोरो इथेन प्लेटिनेट टू, उसका फिर आपने क्या लिखना है। अब ये ध्यान देना है कि जो कॉम्प्लेक्स आयन है ये नेगेटिवली चार्ज है या पॉजिटिवली चार्ज, कई सारे मेटल कंपाउंड्स में क्या होता है ये इसकी जगह पर यहां Cl होता है, अगर यहां पर Cl है तो फिर ये Cl के ऊपर क्या होगा नेगेटिव चार्ज, अगर काउंटर आयन एनायन है तो इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा पॉजिटिव, अगर काउंटर आयन पॉजिटिव है तो इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा नेगेटिव, तो इसलिए अगर जिस कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम ए टी ई, उसके मेटल के लास्ट में हम क्या लगा देंगे ए टी ई प्लेटिनेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना आपको आता है, आपने पहले भी किया हुआ है, तीन सी एल है एक प्लस चार्ज है तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा टू, कैसे हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है और यहां पर तीन क्लोरीन है और एक जो है वो पोटेशियम है, तो कितना चार्ज हो जाएगा इसके ऊपर दो, इसलिए क्या है प्लेटिनेट टू, तो इसलिए हम इस तरीके से जो जो कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन टाइप्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उनका नोमेनक्लेचर बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसा नोमेनक्लेचर हम किनका करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। दूसरे तरीके के जो कंपाउंड हम देखेंगे वो हैं सिंपल कंपाउंड। सिंपल कंपाउंड की कैटेगरी में कौन से आए नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, एराइल्स हो सकते हैं, एल्काइल्स, एराइल्स मीन जिनमें बेंजीन वाले ग्रुप्स होंगे, एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, किसके मेन ग्रुप एंड ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो मेन ग्रुप के हो सकते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स के हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं एराइल्स एंड एल्काइल, इनको हम यहां पर सिंपल कंपाउंड कह रहे हैं। इनका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, देखिए यहां पर मैंने लिखा है सबसे पहले हम किसका नाम लिखने वाले हैं, क्योंकि ये जो सिंपल कंपाउंड है इनमें कोई कैटायन एनायन नहीं होगा, तो इसलिए हम इसमें कैटायन का नाम तो पहले लिखेंगे नहीं, सबसे पहले अब कैटायन हट गया तो कौन बचा लिगेंड, लिगेंड कौन है ऑर्गेनिक ग्रुप, तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे ऑर्गेनिक ग्रुप का नाम लिखेंगे, फिर
मेटल का नाम लिखेंगे दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे अगर कोई एनायन है तो उसका नाम लिखेंगे, अगर एनायन नहीं है तो फिर हम ऐसे ही लिखेंगे, सबसे पहले ऑर्गेनिक ग्रुप फिर उसके बाद मेटल का नाम लिख देंगे। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि ये कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं है, सिंपल तरीके से हम इसको इसका नॉमनक्लेचर कर सकते हैं। अभी एग्जाम्पल के साथ आप इसको देखेंगे, ये देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये सिंपल कंपाउंड है C6H5MgCl। तो आप ये रिकॉल करिए, सबसे पहले किसका नाम लिखना है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का नाम, फिर मेटल का नाम, फिर एनायन का नाम। तो इसका नाम क्या है, फिनाइल, ये कौन सा ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप, फिर मैग्नीशियम, देन क्लोराइड, तो सिंपल सा नाम हो गया। इसको अगर हम देखें तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, मिथाइल लिथियम, इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल लिथियम। अब इसको देखिए C2H5 होल ट्वाइस Zn, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन है, C2H5, तो पहले इसका नाम आएगा, कितने हैं अब ये आपको देखना पड़ेगा, प्रीफिक्स में दो हैं, तो डाई इथाइल जिंक, सिंपल सा नाम है, कोई इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लिखनी है। और एक और आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है C2H5 होल 4 Pb, तो ये कितने हैं, इथेन ग्रुप है, इसको कहते हैं टेट्रा इथाइल लेड, ये क्या हो गया, टेट्रा इथाइल लेड। अब यहां पर हम इथेन मीथेन नहीं कहेंगे, यहां पर हम सिंपल ग्रुप्स की तरह इनको रेडिकल की तरह ट्रीट नहीं करना है, यहां पर हम इनको ग्रुप्स की तरह ट्रीट करेंगे, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं यहां पर, और कोई यहां पर ये ग्रुप की तरह ऐड नहीं होंगे, बस इनका नाम पहले आएगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, और ये क्या है, टेट्रा इथाइल लेड। तो सिंपल केस में हम कैसे कर रहे हैं, पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम बोल रहे हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, उसके बाद मेटल का, और फिर कोई एनायन है जैसे ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, अगर यहां पर CH3MgCl होता, C2H5MgBr होता तो क्या होता, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ग्रिगनार्ड रिएजेंट का नाम हम दे सकते हैं। तो ये सिंपल वे है इस तरीके के कंपाउंड्स को नामकरण करने का उनका। अब देखिए तीसरे तरीके की जो कैटेगरी थी वो थी कार्बोनिल्स की। कार्बोनिल्स में जनरली इससे पहले हमने कार्बोनिल्स पढ़ लिए हैं और वहां पर हमने देखा कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है मेटल्स की वो जनरली जीरो होती है, जनरली या तो जीरो होती है या बहुत कम माइनस होगी या बहुत कम प्लस होगी, बहुत अनकॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, जीरो होती है जनरली। तो इस केस में सबसे पहला नाम हम किसे देंगे, अगर कोई मेटल कार्बोनिल होगा तो सबसे पहला नाम हम किसे देंगे, कार्बोनिल को, और इसके प्रीफिक्स में वो नंबर लगाएंगे कितने कार्बोनिल है, ठीक है, और उसके बाद हम किसका नाम लिखेंगे, मेटल का नाम, उसके बाद हम लिखेंगे नेगेटिव चार्ज अगर है उस मॉलिक्यूल के ऊपर, कार्बोनिल के ऊपर, तो फिर वो मेटल में क्या लगा देंगे, ATE, अगर कार्बोनिल के ऊपर कोई चार्ज है, कभी कभी मेटल के ऊपर चार्ज हो जाता है तो फिर हम उसको क्या लिखेंगे, 8, और लास्ट में ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, वैसे जरूरत नहीं है जीरो लिखेंगे, अधिकतर केस में जीरो होगी बट कुछ केसेस में ये हो सकती है, तो आप चाहे तो इसको अगर जीरो है तो न लिखें, और अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन जहां पर प्लस जहां पर वन होगा टू होगा वहां पर तो लिखना पड़ेगा आपको इसके अंदर। तो ज्यादातर केस में आप क्या करिए, आप लिखने की आदत रखिए कि मैं ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें लिखूं। तो कैसे हम नॉमनक्लेचर इसका करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन हम इसके एग्जांपल्स को देखेंगे। अब इसमें भी हम जो कार्बोनिल्स हैं उनको दो तरीके का पाएंगे, एक ऐसे कार्बोनिल्स होंगे जिनमें टर्मिनल कार्बोनिल कंपाउंड्स होंगे, जो जिनमें टर्मिनल कार्बोनिल होगी, और कुछ ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनमें टर्मिनल के साथ साथ ब्रिज्ड कार्बोनिल्स भी होंगी। तो उस तरीके के कंपाउंड्स का नॉमनक्लेचर थोड़ा डिफरेंट टाइप से होगा, जिनमें ब्रिज्ड कार्बोनिल होगी और जिसमें टर्मिनल होगी उनका कुछ थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से होगा। तो उन दोनों को हम अलग अलग पढ़ेंगे कि अगर टर्मिनल कार्बोनिल है तो उसको कैसे नॉमनक्लेचर करेंगे, अगर ब्रिज्ड है तो उसका नॉमनक्लेचर हम कैसे करेंगे। ये देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं जहां पर अगर कार्बोनिल टर्मिनल होगी तो ये टर्मिनल कार्बोनिल कंपाउंड है, पहले भी हम क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं कार्बोनिल्स का, जैसे FeCO5, FeCO5 में पांचों की पांचों कार्बोनिल क्या है, टर्मिनल है। तो अब हमको सबसे पहले किसका नाम देना है, कार्बोनिल का, ये हम पहले बता चुके हैं, फिर हम देंगे इस मेटल का नाम। कार्बोनिल कितने हैं, पांच, तो नाम क्या हो जाएगा, पेंटा कार्बोनिल आयरन, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, जीरो, क्योंकि कार्बोनिल्स में जनरली ये जीरो होता है। तो आप लिखना चाहे लिखिए, नहीं लिखना चाहे नहीं लिखिए, पर आदत ये हो कि इसमें लिख लें। फिर NiCO4, अगेन टर्मिनल कार्बोनिल्स हैं, तो पहले हम किसका नाम देंगे, कार्बोनिल का, तो क्या नाम हुआ, टेट्रा कार्बोनिल निकल जीरो।
फिर देखिए Mn2CO10, पहले किसका नाम देंगे, कार्बोनिल का, फिर किसका देंगे, मैग्नीज का. कितने कार्बोनिल है, 10, डेका कार्बोनिल. कितने मैग्नीज है, डाई मैग्नीज. जीरो भी लिख सकते हैं और चाहे तो नहीं लिखिए. तो कितने हैं वो प्रिफिक्स में हमें लिखना पड़ेगा. डेका 10 है, कितने मैग्नीज हैं, 2, डाई. ठीक है, अब एक एग्जांपल जो आप देख रहे हैं इसमें नीचे मैंने लिखा हुआ है वो है, ये देखिए दो एग्जांपल्स. एक एग्जांपल है जिसमें VCO6 नेगेटिव है. अब इसके ऊपर कैसा चार्ज है, देखिए नेगेटिव. तो वेनेडियम में वेनेडेट लिखना होगा, नंबर वन बात, क्योंकि इसके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है. सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, कार्बोनिल का, फिर मेटल का. कितने कार्बोनिल है, 6. सो इट इज हेक्सा कार्बोनिल वेनेडेट. और देखिए कार्बोनिल के ऊपर तो जीरो चार्ज होता है, तो वेनेडियम के ऊपर क्या चार्ज हो गया, -1. तो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई इसकी, 1. इसलिए हमने इसका नाम क्या लिखा, हेक्सा कार्बोनिल वेनेडेट 1. ठीक है, तो ये इसलिए जरूरी है ब्रैकेट में लिखना, वेनेडेट 1 आयन पे लिखना होता है. अगर वेनेडेट है तो 1 आयन, अगर उसके पीछे आपने ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा है तो फिर आयन भी लिखना होगा. तो इसलिए नेगेटिव चार्ज अगर है तो ATE यूज होगा. क्या यूज होगा, ATE. इससे पता चल जाएगा, अगर हम ये नाम देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो भी मेटल है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है. और कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, 1. तो इससे पता चल जाएगा, हमने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है, ये रोमन में लिखते हैं हम, यहाँ पर जो भी हम वैल्यू लिखते हैं ये रोमन में होती है. फिर एक और एक कंपाउंड है जिसमें सारे के सारे टर्मिनल कार्बोनिल से हैं, वो क्या है, देखिए पहले हम किसका नाम लिखेंगे, कार्बोनिल का, हेक्सा कार्बोनिल. कितने, 6, क्रोमियम. तो सिंपल सा नॉर्मल क्लेचर है, अगर सारे के सारे कार्बोनिल्स कैसे होंगे, टर्मिनल. अब देखिए अगर कार्बोनिल्स ब्रिज्ड भी हैं, ब्रिज्ड है तो कार्बोनिल ब्रिज्ड लिगेंड की तरह भी हो सकते हैं. तो अगर कार्बोनिल ब्रिज्ड है तो हम क्या लिखेंगे, म्यू. ग्रीक वर्ड म्यू से इसको दिखाएंगे, और इस म्यू के पहले प्रीफिक्स में और सफिक्स में डैश का यूज करेंगे. अभी आप देखेंगे कैसे हम नाम लिखेंगे. अगर कहीं पर म्यू लिखा है, इसका मतलब है कि वो जो भी जिसके आगे हमने म्यू लिखा है, जिसके पहले, तो इसका मतलब है वो वाला जो कार्बोनिल है वो ब्रिज्ड है, पता चल जाएगा. इस म्यू के बाद डैश लगना है, इस म्यू के पहले डैश लगना है, तो इसके बाद जो भी कार्बोनिल आएगा इसका मतलब वो वाला कार्बोनिल क्या है, ब्रिज्ड कार्बोनिल है. तो एग्जांपल से इसको हम समझने की कोशिश करेंगे. विद ज्योमेट्री आप रिकॉल करेंगे, आपने ज्योमेट्री पहले कर ली, हमने स्ट्रक्चर कर लिए कार्बोनिल्स के, तो उन ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग हम फिर देखेंगे कि कैसे हम इनको इसका नाम कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं, कैसे हम इन तरीके के कार्बोनिल्स को हम नाम दे सकते हैं. अब आप रिकॉल करिए, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये लिखा है CO2CO8, ये है कोबाल्ट, छोटा ओ लिखा है, ये कोबाल्ट है, ये बड़ा ओ है. तो ये सारे क्या है, कार्बोनिल्स. तो ब्लैक और रेड से दिखाए हैं ये कार्बोनिल, और ये जो है ये मेटल सेंटर है, ये कोबाल्ट है. ठीक है, तो ये जो रेड से दिखाए हैं ये टर्मिनल कार्बोनिल है, देखिए किनारे की ओर है, और ये जो ब्लैक से दिखाए हैं ये है ब्रिज्ड कार्बोनिल्स. तो इसका हम फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये CO है, इसके साथ 3 कार्बोनिल टर्मिनल अटैच्ड है, फिर ये 2 CO कार्बोनिल जो है वो ब्रिज्ड है, फिर ये वाला CO है, फिर ये 3 CO ऐसे हैं. तो अगर दो मेटल के बीच में ये कार्बोनिल दिखाए हैं, इसका मतलब ये कार्बोनिल कैसे हैं, ब्रिज्ड. तो हम इनको कैसे लिखेंगे, तो हम कैसे लिखेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ब्रिज्ड कार्बोनिल है इनको लिख लेंगे. ये कितने कार्बोनिल है, 2. कितने कार्बोनिल है, 2. तो हमने क्या लिखा, डाई. ये कहां पर है, ब्रिज. तो डैश म्यू डैश, ये डैश म्यू डैश का मतलब है ये ब्रिज्ड कार्बोनिल है. क्या लिखा हमने, कार्बोनिल. कितनी कार्बोनिल है, 2. डाई म्यू डैश कार्बोनिल, कितनी कार्बोनिल है, 2 है, जो कि ब्रिज्ड है. तो डैश म्यू डैश का मतलब ये वाली जो कार्बोनिल है ये क्या है, ब्रिज्ड है. फिर ये जो दो मोइटी है CO CO3 CO CO3, ये दो हैं, देखिए एक तो ये वाली है और एक ये वाली, तो इनका नाम हम पूरा एक साथ लिख सकते हैं. तो जब ये कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ये पूरा ये कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, देखिए एक ये है पूरा और एक पूरा ये है. तो इस केस में हम डाई नहीं लिखते हैं, इस केस में हम क्या लिखते हैं, बिस. अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो जाए मामला तो फिर हम बिस, अगर दो है तो बिस, तीन है तो ट्रिस,
चार है तो टेट्राकिस, पांच है तो पेंटाकिस, ऐसे हम उनको लिखते हैं जहां पर कॉम्प्लिकेटेड लिगेंड्स होते हैं। अब हम यहां पर इसको पूरे को एक मान ले रहे हैं, तो हमने क्या लिखा, बिस। इसका नाम क्या है, ट्राई कार्बोनिल कोबाल्ट। ट्राई कार्बोनिल कोबाल्ट दो है, ट्राई कार्बोनिल कोबाल्ट, ट्राई कार्बोनिल कोबाल्ट दो है। तो इन ट्राई कार्बोनिल कोबाल्ट क्योंकि बहुत बड़ा है इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया, बिस। तो बिस का मतलब दो है। तो इसका नाम क्या हो गया, देखिए ये कंप्लीट नाम है इसका, डाइम्यू डैश कार्बोनिल, मतलब दो कार्बोनिल है दोनों ब्रिज्ड है। ट्राई कार्बोनिल कोबाल्ट ये बड़ा नाम है क्योंकि इसमें पहले से ट्राई भी लगा हुआ है, आप ये भी देखिए इसमें तो ट्राई लगा है, यहां पे बाई लगा देते तो बाई ट्राई कार्बोनिल। इसलिए इस तरीके के नोमेनक्लेचर के लिए ये कॉम्प्लेक्स में पहले ही से ही ट्राई आ चुका है, इसमें हम क्या लगाते हैं, दूसरे तरीके का नंबरिंग सिस्टम लगाएंगे, बेस ट्रेस ऐसे हम ऐड करते हैं। तो ये ट्राई कार्बोनिल कोबाल्ट कितने हैं, दो हैं, इसलिए हमने क्या कहा, बिस ट्राई कार्बोनिल कोबाल्ट। तो ये तरीका है एक ब्रिज्ड कार्बोनिल का नोमेनक्लेचर करने का। अब हम इसी का दूसरा एग्जांपल भी आपको मैं इसको समझाऊंगी। ये देखिए इसका दूसरा एग्जांपल अगर याद आऊंगा आपको, तो ये है Fe2CO9। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 इसमें CO है। अब ये ब्लैक वाले जो है ब्रिज्ड है कार्बोनिल है, और ये जो है टर्मिनल कार्बोनिल है। ये टर्मिनल कार्बोनिल को मैंने रेड से दिखाया, टर्मिनल कार्बोनिल से, टर्मिनल कार्बोनिल रेड से दिखाया, और जो ब्रिज्ड कार्बोनिल है उनको ब्लैक से अंडरलाइन किया है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, FeCO3 टर्मिनल, 1 2 3 3 कार्बोनिल से ब्रिज्ड FeCO3। तो हमको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमें सबसे पहले किसका नाम देना है, इसका जो ब्रिज में कितने हैं, तीन क्या है कार्बोनिल, तो ट्राई ट्राई म्यू ट्राई डैश म्यू डैश कार्बोनिल, तीन कार्बोनिल है, तीनों के तीनों कहां है ब्रिज्ड में, ये हमें कौन बता रहा है, म्यू। अब देखिए FeCO3 एंड FeCO3, FeCO3 का नाम क्या है, ट्राई कार्बोनिल आयरन, ट्राई कार्बोनिल आयरन कितने हैं, एक और दो, इसलिए हम इसके आगे डाई नहीं लगा सकते, तो हमको क्या लगाना होगा, बिस। हम क्या लगाएंगे, बिस। देखिए हमने क्या लगाया, बिस ट्राई कार्बोनिल आयरन, क्योंकि ये एक पूरा लिगेंड की तरह हम इसको मान लेते हैं, और अगर एक कॉम्प्लिकेटेड लिगेंड है जहां पहले से डाई ट्राई यूज होता है, वहां पर हम दूसरे तरीके का नंबरिंग सिस्टम यूज करते हैं, वो हो सकता है बिस ट्रिस, मैंने आपको बताया बिस मतलब दो, ट्रिस मतलब तीन, टेट्राकिस मतलब चार। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस पूरे ट्राई कार्बोनिल आयरन को हम एक लिगेंड की तरह ट्रीट करेंगे, और उसके आगे हम बिस ट्रिस इस तरीके का प्रीफिक्स लगाएंगे। तो मुझे लगता है आपको ब्रिजिंग कंपाउंड्स की नोमेनक्लेचर आ गया होगा, जो ब्रिजिंग में है उसको हम पहले लिखेंगे, और उसके लिए हम लिखेंगे डैश म्यू डैश, ये याद रखना है आपको, ब्रिज है मतलब म्यू डैश डैश म्यू डैश लिखना है, कितने कार्बोनिल है ये लिखेंगे, और फिर जो कॉम्प्लिकेटेड वाला पार्ट है उसके नाम के आगे हम क्या लगाएंगे, और जो कॉम्प्लिकेटेड होता है उसको हमेशा किस में लगते हैं, ब्रैकेट में, ये ध्यान रखना है आपको। ये जो कॉम्प्लिकेटेड है ये देखिए ट्राई कार्बोनिल आयरन, इसको हमने ब्रैकेट के अंदर रखा है, ये बाहर नहीं होता, ब्रैकेट के अंदर होगा हमेशा, ये आपको ध्यान रखना है। और यहां पर हम प्रीफिक्स में इसके पहले हम क्या लिख देंगे, कितने हैं, दो हैं, दो ट्राई कार्बोनिल आयरन है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, बिस। हमारे पास कार्बोनिल्स की एक और कैटेगरी है जहां पर जो कार्बोनिल्स हैं वो सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं, तो उनका नोमेनक्लेचर थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से हम देंगे। तो जहां पर सिमेट्रिकल होगा कार्बोनिल वहां पर मल्टीपल प्रीफिक्स हम देंगे, जैसे बेस ट्रेस टेट्राकिस जो मैंने आपको पहले भी बताए थे। सिमेट्रिकल के केस में तो हम इस तरीके से लिखेंगे, और जो एसिमेट्रिकल होगा उसमें एक सेंट्रल एटम और एक लिगेंड को हम पूरा एक लिगेंड मान लेंगे, जैसे हमने इससे पहले माना था ब्रिज्ड में भी हमने ऐसा ही किया था ना, एक मेटल और उसके साथ जुड़े हुए लिगेंड को एक पूरा लिगेंड मान लिया था। ऐसे ही हम यहां पर भी अगर एसिमेट्रिकल टाइप होगा तो उसमें भी हम इसी तरीके से देखेंगे। ये एग्जाम्पल देखिए COCO4, ये कोबाल्ट है, CO2CO8 है, जहां पर ये चारों क्या है टर्मिनल है। तो इसको क्योंकि ये बाई न्यूक्लियर है, इसको लिखने का तरीका क्या होगा, अगर हम इसको देखें ये दो बार CO कोबाल्ट है, ठीक है, COCO4 कार्बोनिल को लिखने का तरीका क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन बड़े कैपिटल लेटर में, कोबाल्ट कैसे लिखेंगे, सी कैपिटल और ओ स्मॉल। तो इसको हम
अब देखिए दो मान सकते हैं इसको, अगर हम लें ये दो है, वन एक है और एक दो, बिल्कुल ऐसा ही एक और है। तो बिस, हमने क्या कह दिया, बिस। और इसका नाम क्या है, टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट। तो ये जो बिस के बाद या ट्रिस के बाद या टेट्रा किसके बाद हम जो भी लिखते हैं वो किसमें आता है, ब्रैकेट में। जो भी कॉम्प्लेक्स होगा वो किसमें आएगा, ब्रैकेट में। तो अब देखिए कितने हैं, दो, ये पूरी पूरी यूनिट हम मानेंगे, ये एक यूनिट ये है और एक यूनिट ये है, तो ये दो हैं, इसलिए बिस। इसका नाम क्या है, दो हैं ऐसी यूनिट, टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट। तो इसका नाम हो गया बिस टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स टाइप, मतलब काफी कॉम्प्लिकेटेड टाइप्स लिगेंड है, इसलिए इसको हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। अब अगर हम देखिए दूसरा कंपाउंड देख रहे हैं, COCO4 RECO5। अभी आपको खुद दिखने में एसिमेट्रिकल लग रहा होगा, तो ये एसिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल के लिए हमने कहा कि हम एक पूरे लिगेंड को क्या, एक पूरे मेटल और लिगेंड को क्या मान लें, पूरा लिगेंड मान लें। जैसे हमने इसको यहां पर जो टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट है इसको एक लिगेंड मान लिया, हम कुछ भी किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हैं, चाहे इसका नाम पहले लिखे, चाहे इस, हम इसको भी लिगेंड मान सकते हैं और हम इसको भी लिगेंड मान सकते हैं। तो यहां पर नॉर्मल क्लेचर में हमने क्या किया, इस वाले इसको क्या मान लिया है, पूरा एक लिगेंड मान लिया। हम ये सोच सकते हैं कि इसके साथ ये पूरा एक लिगेंड आर ग्रुप मान लिया इसको हमने, कि आर ई के साथ पांच तो सीओ है और एक पूरा एक लिगेंड है। इस लिगेंड का नाम क्या है, इसका नाम है टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट। तो अब हम देखिए पहले हम क्या नाम दे रहे हैं, इसके साथ दो लिगेंड जुड़े हैं, एक लिगेंड तो ये जुड़ा हुआ है, पांच लिगेंड और एक पूरा ये लिगेंड जुड़ा हुआ है। तो हमने इसका नाम क्या दे दिया कि पेंटा कार्बोनिल, पांच तो कार्बोनिल है ठीक है, और एक लिगेंड ये पूरा मान लिया हमने, इसका नाम क्या है, टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अलग से हमने इसको पूरे मेटल लिगेंड को हमने लिगेंड माना है, तो इसका नाम क्या है, टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट, इसको हमने ब्रैकेट में रख दिया है, कोबाल्टो लिखा है हमने, कोबाल्टो, क्योंकि ये पूरा एक हमने क्या मान लिया है, लिगेंड। और उसके बाद हमने किसका नाम लिखा, मेटल का। देखिए सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड्स का नाम लिखते हैं, इसमें लिगेंड कौन है, कार्बोनिल है, और ये पूरा एक लिगेंड मान लिया हमने। ये कितने कार्बोनिल है, पांच, पेंटा कार्बोनिल। फिर हमने ये वाले लिगेंड का नाम लिख दिया, टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट, कोबाल्टो लिखा इसका नाम। और जब ये लिगेंड के नाम हो गए उसके बाद हमने किसका नाम लिखा, रिहिनियम का नाम, किसका नाम लिखा, रिहिनियम का नाम ठीक है। तो इसको हम कैसे नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, अगर एसिमेट्रिक है तो उस केस में हम क्या कह रहे हैं, सिमेट्रिक में तो कोई दिक्कत नहीं है, सिमेट्रिक में तो जो है वो दोनों एक से हैं, तो हम बेस ट्रिस लगा देंगे। लेकिन यहां पर कॉम्प्लिकेटेड हो गया है थोड़ा सा, क्योंकि दोनों एसिमेट्रिक टाइप है, तो इसलिए जो है एक पूरे इसको हम मेटल और लिगेंड को हम लिगेंड मान रहे हैं। तो पांच लिगेंड ये जुड़े हैं, छठा लिगेंड ये मान लिया, तो पांच लिगेंड का नाम लिखा पेंटा कार्बोनिल, और फिर इस लिगेंड का नाम लिखते हैं, इस लिगेंड का नाम क्या है, टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट। इसको हमने ब्रैकेट में से लिखा है क्योंकि ये बहुत बड़ा नाम है एक साथ। और उसके बाद हमने क्या लिख दिया, रिहिनियम, उसके बाद हमने रिहिनियम लिखा। तो इसको जो अगर हम इसको लिगेंड की तरह कह रहे हैं, इसलिए हम इसमें कोबाल्टो, टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्टो, टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट भी लिख सकते हैं इसको ठीक है, टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट रिहिनियम भी लिख सकते हैं, क्योंकि दो मेटल सेंटर आ रहे हैं ना, उसको हम लिगेंड की तरह लिख रहे हैं, इसलिए हम उसको कोबाल्टो दिखा दे रहे हैं। देखिए लास्ट टाइप के जो कंपाउंड्स हैं जिनका नॉमनक्लेचर के लिए हमने उसको क्लासिफाई किया है, वो है पाई एंड सिग्मा बॉन्डेड लिगेंड्स, कैसे जुड़े होते हैं। तो अगर एक कार्बन बॉन्डेड लिगेंड होगा, अगर एक कार्बन से बॉन्डेड होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड, वो सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है कोई भी लिगेंड मेटल के साथ तो वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, जैसे कि ये देखिए LiC5H5, इसका मतलब ये है कि यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड बना होगा। अगर हमने यहां पर सिग्मा लिखा है, इसका मतलब एक ही कार्बन एटम के साथ लिथियम जुड़ी है, पांचों कार्बन एटम के साथ नहीं जुड़ी। अगर हम इसको देखें, ये है, हाँ तो ये है C5H5, और अगर ये सिग्मा हमने लिखा है इसका मतलब एक कार्बन के थ्रू जुड़ी है, और अगर हमने इसको पाई लिखा है, जैसे कि इस कॉम्प्लेक्स में आप देखेंगे FeC5H5 होल ट्वाइस, तो अगर हमने इस तरीके से लिखा है
पाई अगर लीगा, इसका मतलब पांचों के पांचों कार्बन एटम Fe के साथ जुड़ रहे हैं। पाई बॉन्डेड का मतलब है कि एक से ज्यादा कार्बन एटम मेटल के साथ जुड़ रहे हैं, और अगर एक कार्बन एटम जुड़ा है मेटल के साथ तो उसको हम सिग्मा से डिनोट करेंगे। तो पहला रूल तो यह है कि सिग्मा का मतलब ही एक कार्बन एटम जुड़ा, और पाई का मतलब पांचों कार्बन एटम इसके साथ जुड़े हैं, ठीक है, इसका मतलब वो पाई बॉन्डिंग कर रहा है। अब अगर हम जो है वो बात कर रहे हैं अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स जो मेटल के साथ जुड़े हुए, अगर हम उनकी बात करते हैं तो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स के आगे पहले हम प्रीफिक्स लगाते हैं। अगर अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल के साथ मेटल जुड़ा है, मतलब जहां पर डबल बॉन्ड है, अगर वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो उस केस में हम प्रीफिक्स लगाएंगे ईटा, और उस ईटा के ऊपर भी हम एक नंबर लिखते हैं सुपरस्क्रिप्ट में। ये देखिए हम लिखते हैं ईटा वन। ईटा वन का मतलब है कि वो जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसके साथ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बना रहा है मेटल, वो एक ही कार्बन से बॉन्डेड है, तो वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डोनर कहलाता है, एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा वो मेटल को। अगर हमने ईटा टू लिखा है, इसका मतलब वो वहां पर क्या है, दो कार्बन बॉन्डेड होंगे, इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर सकता है, दो कार्बन जुड़े हैं तो ईटा टू कहेंगे, अगर एक कार्बन के थ्रू जुड़ा है तो ईटा वन कहलाएगा। ये मोनोहेप्टो है या डाईहेप्टो है, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज हेप्टिसिटी, ये कहलाती है हेप्टिसिटी। हेप्टिसिटी हमें ये बताती है कि कितने कार्बन एटम मेटल के साथ जुड़े हैं। ईटा वन का मतलब एक कार्बन एटम जुड़ा है, ईटा टू का मतलब दो कार्बन एटम जुड़े हुए मेटल के साथ, टू मतलब दो इलेक्ट्रॉन डोनर है, एक मतलब एक इलेक्ट्रॉन डोनर है, और अगर ईटा थ्री है कोई लिगेंड तो इसका मतलब है वो तीन कार्बन के थ्रू मेटल के साथ जुड़ा है, ये ट्राई हेप्टो है और ये थ्री इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, सो ऑन ऐसे हम करते जाएंगे। अगर ईटा फोर है तो चार इलेक्ट्रॉन डोनर है, चार किसके थ्रू जुड़ा है, चार कार्बन के थ्रू जुड़ा है, क्योंकि ये पाई बॉन्डेड है। देखिए अगर एक कार्बन के थ्रू जुड़ा होगा, पाई बॉन्डेड की बात हम कर रहे हैं, तो एक का मतलब है कि पी ऑर्बिटल में एक पाई इलेक्ट्रॉन होगा, वो वाला पाई इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है। दो इलेक्ट्रॉन होंगे अगर दो कार्बन एटम से बॉन्डेड होगा तो दो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है, तीन इलेक्ट्रॉन होंगे अगर तीन कार्बन एटम होंगे तो वो आसानी से तीन इलेक्ट्रॉन दे सकता है, एंड सो ऑन। ऐसे ऐसे हेप्टिसिटी बढ़ती जाती है, ईटा फोर भी होता है, ईटा फाइव भी होता है, ईटा सिक्स भी होता है, तो अलग अलग टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं। तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये जरूर है कि अगर कोई किसी में पांच कार्बन एटम है तो वो एक कार्बन के थ्रू भी जुड़ा हो सकता है, दो के थ्रू भी जुड़ा हो सकता है, तीन के थ्रू भी जुड़ा हो सकता है, पांचों के थ्रू भी जुड़ा हो सकता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि हम इनकी किस तरीके से नॉमनक्लेचर करेंगे, अभी आपको इजीली आ जाएगा। ये स्टेप्स लिखे हैं, देखिए सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे, पाई बॉन्डेड लिगेंड का विद इन ब्रैकेट्स, जो पाई बॉन्डेड लिगेंड होगा उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, और इसके बाहर इसके पहले हम प्रीफिक्स यूज करेंगे, कितने ऐसे लिगेंड हैं, दो है तो बेस, तीन है तो ट्रेस, चार है तो टेट्राकिस, कितने पाई बॉन्डेड लिगेंड्स हैं उनको हमें ब्रैकेट के बाहर लिखना होगा। फिर हम दूसरे लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, जैसे कार्बोनिल अगर प्रेजेंट है फिर उसका नाम लिखेंगे, कितने कार्बोनिल है वो लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे मेटल का नाम। तो पहले पाई बॉन्डेड लिगेंड विद प्रीफिक्स, नंबर कितना है उनका, फिर दूसरे लिगेंड्स विद प्रीफिक्स कितने हैं, फिर मेटल का नाम हम लिखेंगे। तो वन बाय वन हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ये देखिए यहां से हम एग्जांपल शुरू करते हैं, FeC5H5। अब इसका नाम क्या होता है, साइक्लोपेंटा डाई इनाइल, ये साइक्लोपेंटा डाई इनाइल है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए हम इसको इनाइल कहते हैं। तो कितने हैं, दो, तो क्या हुआ, बिस, ब्रैकेट में रखना है इसको। ईटा फाइव, पांच कार्बन है, पांचों के पांचों कार्बन से ये आयरन से जुड़ा रहता है, तो इसका नाम क्या आ गया, ईटा फाइव। ईटा फाइव के बाद क्या लगाएंगे, डैश, साइक्लोपेंटा डाई इनाइल, ब्रैकेट क्लोज्ड, फिर मेटल का नाम आयरन। अब ये देखिए क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है, ये बेंजीन के साथ है, ये क्या है, C6H6, तो कितने बेंजीन हैं, दो, बिस, ब्रैकेट में, कितने कार्बन है, छह कार्बन से अटैच रहता है, छह के छह कार्बन क्रोमियम से जुड़े हुए होते हैं, तो हमने दे दिया हेप्टिसिटी ईटा सिक्स, यानी छह के छह बेंजीन के कार्बन एटम क्रोमियम से जुड़े हैं, डैश बेंजीन,
ब्रैकेट क्लोज क्रोमियम, ठीक है। फिर आए Fe2CO4C5H5 होल ट्वाइस। अब इसमें हम पहले किसका नाम देंगे, पाई बॉन्डेड का, कितने हैं दो, क्या है साइक्लोपेंटाडाइनाइल बिस, ईटा फाइव पांच कार्बन से जुड़ा रहता है, ईटा फाइव डैश साइक्लोपेंटाडाइनाइल ब्रैकेट क्लोज्ड। अब क्या बचा, ये वाला लिगेंड टेट्रा कार्बोनिल, कितने आयरन हैं दो, डाई आयरन। इस तरीके से हम इनको नॉमेनक्लेचर इनका करेंगे। अगर ईटा वन, ईटा फाइव का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन डोनर है, पांच, ईटा सिक्स का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन डोनर है, छह। अब ये देखिए एग्जांपल, FeCO2σC5H, अब देखिए सिग्मा लिखा, सिग्मा लिखने का मतलब ही क्या है, ईटा है, ईटा वन, ईटा वन टाइप है। वैसे ये जो लिगेंड है ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, देखिए मैं छोटा सा स्ट्रक्चर बनाऊं इसका, अगर तो ये पांच कार्बन एटम इसके ऊपर होते हैं, तो ये पांच कार्बन एटम के थ्रू जुड़ सकता है, लेकिन एक कार्बन एटम के थ्रू भी यहां से जुड़ सकता है डायरेक्ट मेटल के साथ। तो अगर सिग्मा लिखा है, सिग्मा का मतलब है, क्योंकि ये लिगेंड तो है पाई बॉन्डेड लिगेंड, लेकिन इसमें हमने लिखा है सिग्मा, इसका मतलब केवल एक ही कार्बन एटम के थ्रू ये मेटल से जुड़ा है ऐसे, तो इसका मतलब है कि ये ईटा वन टाइप है, ब्रैकेट में लिखा है साइक्लोपेंटाडाइनाइल। फिर इसमें दो इस तरीके के लिगेंड है, देखिए दो साइक्लोपेंटाडाइनाइल, एक तो सिग्मा है और एक पाई है, तो सिग्मा का मतलब है कि ये ईटा वन है, एक ही बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड तो एक ही बनता है, तो ये ईटा वन है, ये वाला क्या है पाई है, पाई का मतलब पांचों के पांचों जुड़े होंगे, तो इसका मतलब ये क्या है, ईटा फाइव, ईटा फाइव डैश साइक्लोपेंटाडाइनाइल। दोनों लिगेंड्स को ब्रैकेट में रखा है, इसको भी और इसको भी, ये अलग ब्रैकेट है, देखिए सिग्मा का मतलब ईटा वन साइक्लोपेंटाडाइनाइल, पाई का मतलब जितने भी इसमें कार्बन है उतने कार्बन बॉन्डेड है मेटल के साथ, पांच है तो पांचों बॉन्डेड है, पांचों बॉन्डेड है तो हम इसे क्या कहेंगे, ईटा फाइव, तो ईटा फाइव साइक्लोपेंटाडाइनाइल, और कितने कार्बोनिल है, डाई कार्बोनिल, कितने आयरन है, एक आयरन। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, सिग्मा का मतलब ईटा वन, एक इलेक्ट्रॉन डोनर है वो, क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ। पाई का मतलब जितने कार्बन आपको दिखाएं, पाई C6H6 से होता तो छह के छह से जुड़ा होता, और उसको हम ईटा सिक्स लिखते। अब देखिए यहां पर देखिए MnCO5 पाई C3H5, पाई मतलब तीनों के तीनों कार्बन एटम मेटल के साथ जुड़े हैं, तो इसको ईटा थ्री, थ्री का मतलब ईटा थ्री, तीन जुड़े हैं ईटा थ्री डैश, इस ग्रुप को हम कहते हैं एलाइल, एलाइल ये ब्रैकेट में आया। फिर कितने कार्बोनिल है, पांच, पेंटा कार्बोनिल, क्या है मैग्नीज, तो इस तरीके से हम इनको नाम दे सकते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें, अगर हम इसको कंक्लूड करना चाहें इस लेक्चर को, तो हम ये देखेंगे कि जो नॉमनक्लेचर करने के लिए एक आसान तरीका क्या है, कि हम उन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को क्या कर दें, क्लासीफाई कर दें। हमने चार टाइप्स में कल क्लासीफाई कर दिया उसको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सिंपल कंपाउंड्स, कार्बोनिल्स, सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड लिगेंड्स, इसको जिस्ट आपको दे रही हूं मैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स टाइप, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नाम देते हैं, सिंपल कैटायन का नाम दिया, फिर लिगेंड्स का दिया, फिर मेटल का दे दिया, उसके साथ अगर नेगेटिव चार्ज है तो एट दे दिया, और फिर उसके बाद ब्रैकेट में हमने ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी। सिंपल कंपाउंड्स में तो बहुत सिंपल है कि आप रेडिकल का नाम, जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का नाम पहले लिखा फिर मेटल का लिख दिया, उसके बाद अगर कोई एनायन है तो उसका नाम लिख दिया, तो पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हम रेडिकल की फॉर्म में लिखेंगे, जैसे मिथाइल इथाइल ऐसे हम लिखेंगे, मिथेन इथेन ऐसे हम लिखेंगे रेडिकल की फॉर्म में, अगर हम उनको लिखते हैं तो रेडिकल की फॉर्म में हम लिखेंगे मिथाइल इथाइल फिनाइल ऐसे हम लिखते हैं, तो उसका नॉमनक्लेचर कर सकते हैं। फिर हम कार्बोनिल्स, कार्बोनिल्स को हमने अपनी सुविधा के लिए डिवाइड कर दिया, एक ऐसे कार्बोनिल्स थे जिनमें की टर्मिनल कार्बोनिल्स थी, एक ऐसे कार्बोनिल थे जिनमें ब्रिज्ड कार्बोनिल्स थी, एक ऐसे कार्बोनिल्स थे जो सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल टाइप थे। तो कार्बोनिल्स के नॉमनक्लेचर में बहुत ऐसा नहीं है कि हम कार्बोनिल का नाम पहले देंगे फिर मेटल का देंगे, और फिर उसके बाद हम ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देंगे जो कि जनरली जीरो होती है, और अगर कोई और स्टेट है तो हम वो देंगे, अगर नेगेटिव है तो ATE लगा देंगे मेटल के आगे, और अगर वो ब्रिज्ड है तो ब्रिज्ड में आपको स्पेशली ये सोचना है कि वो माइनस डैश म्यू डैश ये लगाना जरूरी है। अगर वो सिमेट्रिकल है तो फिर आपको क्या यूज करना है, आपको लिगेंड का नाम बिस ट्रिस उसके आगे प्रीफिक्स लगाना है कितने होंगे, और अगर एसिमेट्रिकल है तो एसिमेट्रिकल में पूरे जो मेटल प्लस लिगेंड है उसको आपने एक लिगेंड मान लेना है,
उसके हिसाब से आप नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। और अगर हम सिग्मा और पाई बॉन्डेड लिगेंड की बात करें तो वहां पर सिग्मा बॉन्डेड का मतलब है, सिग्मा अगर लिखा है मतलब एक कार्बन के थ्रू जुड़ा है, और अगर पाई लिखा है तो इसका मतलब जितने कार्बन एटम दिखाए हैं पाई के साथ उतने ही वो बॉन्ड बना रहा है मेटल के साथ कार्बन, और वो जो है उसको हम किससे दिखाते हैं, ईटा से, हेप्टिसिटी से। अगर सिग्मा है तो ईटा वन, और अगर पाई है तो जितने पाई सी फाइव एच फाइव मतलब ईटा फाइव, पाई सी सिक्स एच सिक्स मतलब ईटा सिक्स, पाई सी थ्री एच फाइव मतलब ईटा थ्री। तो इस तरीके से हम नॉमनक्लेचर दे सकते हैं। मेरे ख्याल में आप लोगों को नॉमनक्लेचर अब समझ में आ गया होगा। और इस नॉमनक्लेचर के लिए ये जरूरी है कि एक तो हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि इनका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, तभी हम नॉमनक्लेचर को भी समझ पाएंगे। अगर हमारे दिमाग में आइडिया नहीं होगा कि कार्बोनिल कहाँ पर था, ब्रिज में था या टर्मिनल में था, तो फिर हम उसको नेमिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो है इसको नेमिंग करने के लिए हमें इनके स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, इनका क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए, उसके बेसिस पर हम इनको नामकरण इनका कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने इतने पेशेंस के साथ ये लेक्चर सुना, और उम्मीद करती हूँ कि आपको नॉमनक्लेचर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का कुछ आसान लगा होगा, और अब आप उसको अगर किताब में से भी पढ़ेंगे इसके बाद तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और लेक्चर से तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। इसलिए नेक्स्ट लेक्चर हम जो रखेंगे वो उस हम रखेंगे बॉन्डिंग इन ओलिफिनिक कॉम्प्लेक्सेस, कैसे ओलिफिनिक कॉम्प्लेक्सेस में बॉन्डिंग होती है उसके ऊपर हम बात करेंगे।